सबसे पहले आचार्य जी, मैं यही जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर धनतेरस जो है वो क्यों मनाया जाता है और आज का दिन इतना शुभ क्यों मानते हैं, क्योंकि दिवाली का दिन भी शुभ है लेकिन धनतेरस किन वजहों से मनाया जाता है, और साथ ही साथ ऐसा मानते हैं कि आज अगर बहुत ही भव्य रूप में पूजा करें तो धन की समस्या ऐसे जातकों को कभी नहीं होती। आज सबसे पवित्र मास कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि अर्थात धन त्रयोदशी, जिसे धन अलग शब्द है और त्रयोदशी अलग, त्रयोदशी अर्थात 13 संख्या होती है और धन के देवता आज के दिन उनका प्राकट्य हुआ था जिसका संबंध उनके जन्म से होता है। लेकिन यह पूरी कथा आप समझने का प्रयास करिए। सतयुग में जब समुद्र मंथन की एक ऐसी परंपरा चल रही थी जिसमें से 14 रत्न निकले और 14 रत्नों में कालकूट विष भी निकला और अमृत भी निकला, साथ साथ गाय की भी उत्पत्ति हुई उसी में से। तो ऐसे में 14 रत्नों में जहाँ विष निकलता है, हलाहल विष का पान करने वाले साक्षात शिव उसे अपने उस गरल को अपने कंठ में धारण कर लेते हैं और ऐसे में उनका नीला कंठ जब पड़ जाता है तो नीलकंठ नाम पड़ता है। लेकिन उस विष के ताप से उनकी शरीर में अत्यधिक ज्वलनशील परिस्थिति बनी, तो ऐसे में जब 14 रत्नों की परिस्थितियां बनने लगी तो साक्षात धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के उसी में से प्रकट होते हैं, अर्थात 14 रत्नों में एक धन्वंतरी भी हैं जो कि अमृत का कलश लेकर के आते हैं। धन्वंतरी अर्थात साक्षात अमृत के कलश को लेकर के आते हैं और मोहिनी स्वरूप धारण करके भगवान उसे वितरित करते हैं। साक्षात महादेव के कंठ में उसी समय शीतलता भी आ जाती है लेकिन नीलकंठ नाम उसी समय से पड़ जाता है। तो ऐसे में यह धन्वंतरी का प्राकट्य उत्सव त्रयोदशी तिथि पर हुआ और यह साक्षात धन के देवता माने जाते हैं, आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि यदि दुनिया में, ब्रह्मांड में, विश्व में, प्रकृति पर आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई, स्थापना हुई, तो चराचर जगत में सतयुग में साक्षात धन्वंतरी इसके प्रथम जनक माने जाते हैं जहां से आयुर्वेद का प्रचलन प्रारंभ होता है। ऐसे में धन्वंतरी साक्षात धन के देवता और साक्षात आयुर्वेद के देवता हैं। उनके शुभ जन्मोत्सव के पवित्र उत्सव को हम दीपावली से ठीक 2 दिन पहले से प्रारंभ करते हैं और यही इसकी दूसरी विवेचना भी है। दूसरी विवेचना यह है कि परिस्थितियों के अनुसार साक्षात लक्ष्मी की उपासना त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में, यानी दीपावली से पूर्व प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि पर यदि साक्षात लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय किए जाएं, पूजन किया जाए और वह भी कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को, तो यकीनन मानिए कि दरिद्रता आपके जीवन से कहीं कई किलोमीटर दूर जाकर के खड़ी होगी और साक्षात आप अपने जीवन में सदैव सुख संपत्ति ऐश्वर्य वृद्धि आदि से अपने आप को परिपूर्ण पाएंगे। जी